मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जनाब के टी रामाराव साहब, जनाब श्रीनिवास यादव साहब, एमपीस, एमएलएस और हमारे साथी एमएलएस, एमएलसीस, जीएचएमसी कमिश्नर और तमाम जीएचएमसी का स्टाफ जो 150 वार्ड से यहाँ पर आए हुए हैं, डिसेंट्रलाइज करने के लिए जो न्यू वार्ड्स के अंदर वार्ड्स बनाए जा रहे हैं फॉर ऑपरेटिंग इजी ऑपरेशन एंड इजी मेंटेनेंस ऑफ द एरिया, इसे डिसेंट्रलाइज करने की वजह से काफ़ी बेहतर होगा, अच्छा काम होगा, हुकूमत का अच्छा इकदाम है। इस इकदाम से लोगों को सहूलत मिलेगी, रोज़मर्रा के मेंटेनेंस कामों के ऊपर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। हमारी पार्टी की जानिब से इसके अंदर एक दो तीन मशवरे आपको और देना चाहेंगे कि जो आप जो वार्ड्स बना रहे हैं इसके अंदर जो है ना, आप HMWS को भी अगर इसके अंदर इंक्लूड करें मेंटेनेंस के लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि मेंटेनेंस के प्रॉब्लम HMWS के अंदर ज़्यादा है। तो जितने वार्ड्स, हर वार्ड के ऊपर आप मैनिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का एक हर वार्ड के साथ एक अटैच कर दिए MOM, तो उससे सीवरेज का जो प्रॉब्लम हर एरियाज के अंदर है उसको भी सहूलत होगी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जितने वार्ड आप 150 वार्ड्स के अंदर, हर वार्ड में 6-6 वार्ड्स जो बनाए हैं, हर वार्ड के अंदर एक MOM सिस्टम आप HMWS से अगर से लागू करें तो उससे आवाम को फ़ायदा होगा, मेंटेनेंस के जो प्रॉब्लम्स है उसको सहूलत मिलेगी। तो बहरहाल अब काम यह है कि इनिशिएट तो अच्छा है, अब ये तमाम जिम्मेदारी जो वार्ड ऑफिसर्स को तायुन किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हुकूमत के इस इकदाम का सही इस्तेफादा उठाते हुए आवाम को तकलीफ ना हो उस तरीके से काम करे। इस डेवलपमेंट का कोई भी काम हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी हमेशा तायीद करी है और हुकूमत का साथ देगी हर डेवलपमेंट काम के अंदर। और हमारे भी कुछ मसाइल है, अगर से मिनिस्टर साहब उसके ऊपर हमारे मजलिस के MLS को टाइम देंगे तो हम आपसे मिलकर हमारे जो भी मसाइल है उसकी भी बात कर लेंगे, अगर ये मीटिंग के बाद अगर आप टाइम देंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।